हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। यूनेस्को ने इस साल 33 स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट समिति पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हो पाई थी, इसलिए 2020 और 21 दोनों के लिए इसी साल स्थलों का नामांकन किया गया है। इन 33 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 28 सांस्कृतिक और 5 प्राकृतिक स्थल हैं। गुड न्यूज़ ये है कि भारत के 2 जगहों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो चलिए जानते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन, सो लेट अस स्टार्ट। भारत के 2 स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें पहला है रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर और दूसरा धोलावीरा है। रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसका नाम इसके शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया था। इस मंदिर के बनने में 40 साल का समय लगा था। ये मंदिर 6 फीट ऊँचे प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है और इस मंदिर की दीवारों पर महाभारत और रामायण के दृश्य देखे जा सकते हैं। मंदिर के अंदर नंदी की एक विशाल मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 9 फीट है और भारत का दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में चुना गया जगह धोलावीरा। ये भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। धोलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर मिलते हैं और यह उस सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसे विशेष स्थानों को कहा जाता है जो इस समिति द्वारा चयनित होते हैं। इन स्थलों में वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन, शहर इत्यादि शामिल होते हैं। इन समितियों द्वारा इन जगहों का संरक्षण किया जाता है। ये चुने हुए जगह विश्व सांस्कृतिक की दृष्टि से मानवता के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब तक पूरी दुनिया में यूनेस्को द्वारा चुने गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में 1,121 जगह चुने गए हैं, जिनमें से 869 सांस्कृतिक, 213 प्राकृतिक और 39 मिले जुले और 138 अन्य स्थल हैं। अब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। 1959 में जब मिस्र की सरकार ने आसवान बांध बनाने का निर्णय किया, तो उस समय प्राचीन सभ्यता के अबू सिंबल जैसे अनेक हिस्टोरिकल प्लेस को इस बांध के बनने से नुकसान हो सकता था, जिसके संरक्षण के लिए यूनेस्को ने मिस्र और सूडान देश से अपील की वो इनकी रक्षा करें। फिर इसके बाद इन जगहों के अवशेष को ऊंचे स्थानों पर ले जाकर बसाया गया, जिसमें 8 करोड़ डॉलर का खर्च हुआ, जिसमें से 4 करोड़ डॉलर अन्य कई देशों ने देकर मदद की, जिसके बाद इन जगहों का संरक्षण सक्सेसफुली हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ही कई हिस्टोरिकल प्लेसेस को बचाया गया। फिर इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1965 में व्हाइट हाउस सम्मेलन में एक विश्व धरोहर ट्रस्ट की मांग की, जिसमें शामिल सभी पार्टियों ने अपनी एक समान राय रखी और इसके बाद 16 नवंबर 1972 में इसे स्वीकृति मिल गई। उसके बाद से ही हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। इस बार 2021 का थीम है कॉम्प्लेक्स पास्ट, डाइवर्स फ्यूचर। इस साल यूनेस्को ने जिन 33 नए वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट को चुना है, उनकी लिस्ट ये है, आप देख सकते हैं। इन नए प्लेसेस के ऐड होने के बाद भारत के पास अब 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं, जिसके बाद इंडिया ब्राउन कलर की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसमें
40 से 49 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिस देश के पास होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।